हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूँ आमिर रेयू, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल आमिर रेयू में। दोस्तों आज की हमारी जर्नी है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद एसी डबल डेकर एक्सप्रेस की, और अभी आप देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर है। हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। हमारी ट्रेन में जो लोकोमोटिव लगा है वो है WCAG1, और हमारी ट्रेन का सिग्नल भी अब हो चुका है। हम इसे शॉर्ट जर्नी है, हम इसे बोरीवली तक लेकर जाएंगे। चलिए पेंटोग्राफ ऑन करते हैं। पेंटोग्राफ को ऊपर करके फॉरवर्ड मोड पर डालकर अपनी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट करेंगे। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हेमू ट्रेन भी खड़ी है, उसे हमारे जाने के बाद में शायद सिग्नल दिया जाएगा, हम उसी ट्रैक पर जाने वाले हैं। चलिए हॉर्न बजा देते हैं। चलिए अब सेकेंड हॉर्न भी बजाकर यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पीछे का लोकेशन देखिए यार, बिल्डिंग्स वगैरह भी सेम जैसे मुंबई सेंट्रल के पीछे से दिखती हैं वैसे ही दिख रही है। ऐसे ही बिल्डिंग्स वगैरह आपको जब भी दिखेगी, जब अपने आप ओपन रेल्स में आप अपने जो सेटिंग्स में जाकर जो डिस्टेंस व्यू है उसे ज़रा बढ़ाएंगे, तभी आपको ऐसा पीछे का भी लोकेशन वगैरह सब दिखेगा, वरना आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। और हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन जो है डिपार्ट हो चुकी है। काफ़ी खाली खाली स्टेशन लग रहा है यार, लॉकडाउन में पहली ट्रेन हमारी चली है इसीलिए शायद स्टेशन वगैरह खाली है। सामने से एक और एक्सप्रेस ट्रेन अराइव हो रही है, वो भी शायद अहमदाबाद टू मुंबई सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन है, और वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पर अराइव हो रही है। ज़रा जूम करके देख लेते हैं। मुंबई सेंट्रल में यार देखो, जैसे कि लेफ्ट साइड में लोको शेड भी रहता है, जो ईमू लोकल शेड वो भी बना हुआ है, और ये रूट का नाम है वेस्टर्न बे 2016। और हमारी ट्रेन देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ट्रेन धीरे धीरे डिपार्ट हो रही है और उसी ट्रैक पर जा रही है जिस ट्रैक पर ये EMU खड़ी है, और इस EMU को शायद हमारे जाने के बाद में डिपार्ट किया जाएगा। लोकेशन काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, कमेंट में बताइएगा आपको लोकेशन कैसा लगा मुंबई सेंट्रल का। और रियल में भी यार ऐसा ही है, कुछ हद तक ऐसा ही है। अब यार ये गेम है तो इतना ज़्यादा रियल लगेगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 60-70% ऐसा ही है। पीछे बिल्डिंग्स वगैरह सब सेम है, मुंबई सेंट्रल ब्रिज के पास ऐसी बिल्डिंग है, मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ। और ये है एसी डबल डेकर एक्सप्रेस अहमदाबाद तक के, और हमारी ये यहाँ से शॉर्ट जर्नी है दोस्तों। हम यहाँ से अपनी ट्रेन को लेकर जाएंगे बोरीवली तक, और बीच में हमने 2 स्टॉपेज भी रखा है यार, लेकिन डायरेक्ट जाओ तो मज़ा नहीं आता है। इसका स्टॉप तो वैसे डायरेक्ट यहाँ से बोरीवली है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 स्टॉप ऐड किया है, एक तो दादर और दूसरा अंधेरी। कोचिस पे देख सकते हैं दोस्तों अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर लिखा हुआ है। दोस्तों कोचेस आपको trainsim.com पर मिल जाएंगे, आपको डबल डेकर सिर्फ सर्च बॉक्स में लिखना है, वहाँ पर डाउनलोड लिंक आपका आ जाएगा। और ये एक्ट यार सेल्फ मेड एक्ट है, मैंने खुद बनाया है, टेस्टिंग एक्ट है, और ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह तो मैंने ऐड नहीं कर पाया हूँ फिर भी, लेकिन यार काफ़ी हद तक मेरा एक्ट सही बन गया यार। फर्स्ट टाइम मैंने कोई एक्ट बनाया हूँ, और आगे भी मैं एक्ट जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी उसी रूट पर उस एक्ट को मैं बनाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। कोंकण रेलवेज वगैरह, हावड़ा शताब्दी, जन शताब्दी एक्सप्रेस, काफ़ी एक्ट बनाना बाकी है। तो दोस्तों देखिए हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है मुंबई सेंट्रल से। धीरे धीरे हम इसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि स्पीड रेस्ट्रिक्टेड है, ज़्यादा स्पीड हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। बड़े ही आराम से हम यहाँ से निकलेंगे, हमारा सिग्नल सभी ग्रीन है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको एक्ट। एक शॉर्ट जर्नी है मुंबई सेंट्रल टू बोरीवली, हम बोरीवली तक लेकर जाएंगे इस ट्रेन को। और ज़्यादा मैंने आगे तक बनाया नहीं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई इतना लंबा एक्ट देखता नहीं है, इसीलिए मैंने बस बोरीवली तक ही इसको रखा। अगर आपको एक्ट पसंद आएगा तो बता देना कमेंट में, तो मैं इसे बोरीवली से आगे पार्ट 2 भी बना दूंगा। देखिए हमारी ट्रैक जो है चेंज हो रही है, धीरे धीरे मेन लाइन पर जा रही है। और आपने भी किसी ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन अगर देखा होगा तो यार कमेंट में बता देना। ऊपर आप देख सकते हैं, और लेफ़्ट में ट्रैक मॉनिटर पे आप देख सकते हैं हमारा सिग्नल सारा ग्रीन है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं जो डायलॉग बॉक्स जो आ रहा है उसके अंदर, मुंबई सेंट्रल से हम डिपार्ट कर चुके हैं, आगे दादर है और फिर अंधेरी है।
5 किलोमीटर दूर पर दादर है, और राइट साइड में एक ट्रेन शायद खड़ी है कॉन्सिस्ट वगैरह के साथ में। वो कौन सी ट्रेन है यार, मुझे याद भी नहीं है, बस है ट्रेन है। लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार दिखने में, ट्रैक क्रॉस होने में। ट्रैक क्रॉस करने के टाइम दोस्तों स्पीड ज़रा कम ही रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैक क्रॉसिंग के टाइम पे यार डिरेल हो सकती है हमारी ट्रेन अगर हम ज़्यादा स्पीड पर लेकर जाएंगे तो। वैसे इस गेम में तो ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि डिरेलमेंट ऑफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा रियल दिखने के लिए हमें धीरे धीरे ही अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाना होगा। कमेंट में बताइएगा दोस्तों एक्ट आपको कैसा लगा, और इसमें जो लोकोमोटिव है वो भी ओल्ड लोकोमोटिव है। वैसे तो इसमें BRC शेड का Web 5 और Web 7 लगता है, लेकिन हमने इसे इस एक्ट में ऑफ लिंक लोकोमोटिव रखा है WCAG 1, जो कि सेंट्रल लाइन में चलता है और वेस्टर्न लाइन में बहुत ही कम चलता है। तो दोस्तों ट्रैक मॉनिटर पे आप देख सकते हैं हमारी स्पीड अभी बढ़ाने वाले हैं रेलवे। ट्रैक मॉनिटर पे आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हमें स्पीड दी जा रही है आगे, लेकिन हम 110 या 115 पर चलाएंगे इसे, क्योंकि मैंने यार सेट करना उसे भूल गया था। मैंने उस पर 100 पर रख कर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नहीं तो मैं उसे 120 कर देता था। लेकिन ये लोकल्स का ज़्यादा रूट है तो इसके लिए मैंने 100 ही रखा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे क्या क्या देखने को मिलता है। ट्रैक व्यू साइट पर आप देख सकते हैं दोस्तों हॉर्न्स वगैरह कैसे लगे बताइएगा। मेरे पर्सनल यूज़ के हॉर्न्स है सब, आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ये ट्रेन सिम पर अपलोड कर दूंगा। पहले भी बहुत से लोगों ने यार रिक्वेस्ट किया है, लेकिन यार मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था यार, इसके लिए यार माफ़ी चाहता हूँ मैं। किसी को अगर कमेंट्स का जवाब नहीं मिला तो यार बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कोई कोई कमेंट्स यार मिस हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम मुंबई सेंट्रल से अब रवाना हो चुके हैं, स्पीड धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे अपनी, और आगे अपनी ट्रेन को देखिए, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है शायद। अरे यार ये वेस्टर्न लाइन में पहली बार देखने को मिलेगा शायद, WDG 4 है, काफ़ी अच्छे कलर का है। हाँ यार मस्त है, अच्छा लग रहा है। कमेंट में बताइएगा आपको ये लोकोमोटिव कैसा लगा है। कोई राजधानी एक्सप्रेस है शायद, अपने LHB कोच के साथ में मुंबई सेंट्रल पर अराइव हो रही है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो आपको पूरा कैसा लगा। आप एक्ट को आगे बोरीवली तक के एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप में से कोई अगर मेरे चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बहुत सी देखने को मिलने वाली है। आगे मैं बहुत सी नई जर्नी बनाने वाला हूँ, और बहुत से नए रूट्स मैंने डाउनलोड भी किए हुए हैं, तो बहुत सी नई ट्रेंड्स की जर्नी मैं आगे लाने वाला हूँ दोस्तों। तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को अगर आप नहीं दबाएंगे तो यार मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। और वीडियो के रिलेटेड कुछ भी अगर रहे क्वायरीज तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंजॉय कीजिए, एक्ट को पूरा एंजॉय कीजिए आप, और एक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।
attention. Close circuit television and remote video monitoring is in use at the station for your personal safety and security. सभी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 के किनारे से दूर रहें, एक तेज गाड़ी गुजरने वाली है। सर्व प्रवासियों का नम्र निवेदन है कि कहीं ट्रेन में भी अथवा प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करें। पैसेंजर्स में आने टेंशन करें। क्लोज सर्किट टेलीविजन एंड रिमोट वीडियो मॉनिटरिंग इज इन यूज एट स्टेशन फॉर योर पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सभी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 के किनारे से दूर रहें, एक तेज गाड़ी गुजरने वाली है। सर्व प्रवाशांना नम्र निवेदन आहे की त्यांनी ट्रेनमध्ये अथवा प्लॅटफॉर्मवर धूम्रपान करू नये। पॅसेंजर्स मे आय हॅव युअर अटेंशन। क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन अँड रिमोट व्हिडिओ मॉनिटरिंग इज इन यूज एट स्टेशन फॉर युअर पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्युरिटी। सभी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 के किनारे से दूर रहें, एक तेज गाड़ी गुजरने वाली है। सर्व प्रवाशांना नम्र निवेदन आहे की त्यांनी ट्रेनमध्ये अथवा प्लॅटफॉर्मवर धूम्रपान करू नये। पॅसेंजर्स मे आय हॅव युअर अटेंशन। क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन अँड रिमोट व्हिडिओ मॉनिटरिंग इज इन यूज एट स्टेशन
प्रक्रिया विलंब न हो सके। कृपया एक महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान दें, रेलवे स्टेशन या डिपो में पड़ी किसी भी आकर्षक अनजानी या लावारिस भीड़ को न छूएं। यदि ऐसी वस्तुएं नजर आए तो पुलिस या रेल कर्मचारियों को तुरंत सूचना दें। गाड़ी में अपनी जगह पर बैठने के पहले सुरक्षा के हेतु आसपास कड़ी नजर रखें। किसी भी अनजान या